हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आज नई रेसिपी के साथ चिकन प्लस अंडा, इसके देखेंगे आप बिरयानी बनने वाली है। हमने छोटे छोटे टुकड़े में आलू काट लिया है, ये है अदरक और लहसुन का छोटे टुकड़ों में, इधर प्याज है, टमाटर है। वीडियो सब बने रही है। अभी तेल गर्म हो रहा है, इसमें चिकन छोड़ा जाएगा जिसको थोड़ा फ्राई करके और नई नई रेसिपी छोड़ा जाएगा उसको। और इधर अंडा फ्राई हो रहा है, जब अंडा कलर हो जाए फिर उसको निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है, आप देख बने रहिएगा वीडियो के साथ, फिर आपको दिखाते रहेंगे। ये प्याज फ्राई हो रहा है जिससे कि प्याज जैसे कलर आएगा उसको निकाल लेंगे। ये आलू फ्राई हो रहा है, इसमें जब कलर आएगा उसको निकाला जाएगा बाहर। आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन कुकिंग हो रही है और कुकिंग को पूरे आटे से बने रहिए जिससे आप सीख पाए। और ये कुकिंग उनके लिए सही है जो जॉब करने बाहर जाते हैं, जो अच्छी अच्छी रेसिपी खा नहीं पाते हैं, तो इससे कुकिंग देख के वो अब कुछ बना सकते हैं। ये हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरह लाल हो चुका है, अब उसको बाहर निकालेंगे हम। अब इसमें मसाला ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं हल्दी, मिर्च का पाउडर, गरम मसाला का पाउडर थोड़ा सा, और जीरा धनिया डाल दिया है। और इसको थोड़ा अच्छे से फ्राई करेंगे। बाकी सब ऐड कर दिया गया है। और ज़्यादातर इसमें खड़ा मसाला यूज़ किया जाता है, जैसे लौंग हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी वाला, लकड़ी वाला हो गया। अब देख सकते हो मीट में अच्छे से कलर आ गया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं बटर यूज़ किया जा रहा है इसे। आप थोड़ा सॉल्ट मिर्च डाल सकते हैं। चिकन फ्राई हो चुका है, चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम चावल को डालेंगे। प्याज ऐड हो गया था, अंडा डाल दिया गया है। इसको 15-20 मिनट ढक दिए थे, अब उसको खोलेंगे हम। अब देखेंगे कि ये पके है कि नहीं, इसको चेक करेंगे हम। ये देखिए बिरयानी अच्छे से बन चुका है, और इसको अब हम गैस को बंद करेंगे। 15-20 मिनट इस तरह ढक के रखना है, और इसको ये पक गया अच्छे से, अब इसको हम बंद करेंगे। आप आगे वीडियो से बने रहिए, अंत में खा के बताएंगे कितना टेस्टी बना है। हम गैस को बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी बन चुकी है, हम थाली में परोस चुके हैं। ये हमारे सुधाकर सर हैं जो अभी खा के आपको फीडबैक देंगे। बताइए सर कैसा लग रहा है? आप रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छा टेस्ट मिल रहा है आपको, दिखने में बहुत लाजवाब है, लजीज भी है। तो आप घर पर ट्राई करिए, रेसिपी को ट्राई करिए और अपने फैमिली वाले को खिलाइए। और ये रेसिपी सर को जाता है क्रेडिट, इन्होंने हमें 5 रेसिपी बनाना सिखाया। सर आप कैसा लग रहा है सर? बताइए सर बताइए। आसिफ सर आप क्या कहेंगे?
अभी खाई नहीं मैंने, खाई नहीं। चलो चेक करके देखिए। आशीष भाई ने जरा हरी चटनी बनाई है मिर्च की, इसके साथ मिला के खाएंगे। ये हमारे साथ ही बहुत यम्मी बना है, बहुत ही टेस्टी। और इस तरह की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं घर पे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।